नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार वैद्य और आप सभी का स्वागत है वैद्य जी ब्लॉग्स में। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये वीडियो है मेरे कैमरा सेटअप के लिए जो मैंने हेलमेट पर माउंट किया है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना सस्ता वाला जुगाड़ किया मैंने कैमरा को हेलमेट पर माउंट करने के लिए। इसमें मेरा हेलमेट भी बच जाएगा और दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो मैं मूव करता हूँ अपने बैक कैमरा में, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ क्या है मेरा सेटअप। तो यह है मेरा कैमरा सेटअप हेलमेट पे। इसको सेट करने के लिए, कैमरा को हेलमेट पे माउंट करने के लिए, एक तो ये था कि इसके माउंट बेस प्लेस को मैं सीधा इसके हेलमेट में चिपका देता ये एमसील लगा के। तो इससे क्या होता कि अगर मुझे किसी और हेलमेट में लगाना पड़ता तो उसमें भी चिपकाना पड़ता या कुछ ऐसा और जुगाड़ करना पड़ता। तो अब इस सेटअप के साथ क्या है, मैंने इसमें क्या किया है, एक रबड़ है, ये रबड़ की पत्ती है, समझ लीजिए कि इतनी मोटी है, ये 5-10 mm मोटी है। इसको मैंने काटा एक ट्रायंगल शेप में, देखिएगा ये ऐसे, ये नीचे भी गया हुआ है यहाँ तक, है ना। फिर इसके ऊपर क्या किया मैंने, इसके ऊपर क्या किया, ये बेस जो है, ये बेस को, ये बेस है, इसको एम सील के थ्रू चिपका दिया। अब इसको, इस रबड़ को इसमें माउंट करने के लिए होता है, एक इसमें है कटा हुआ, एक ये है, इन दोनों में से फीता गया है, देखोगे आप जो दोनों में से फीता गया है पीछे, दिख रहा है, एक सेकंड को दिखाता हूँ, ये फीता पीछे गया हुआ है ये लॉक के साथ, ये लॉक देख रहा है, ये दो फीते है, ये ऐसे गया हुआ है और एक फीता इसके नीचे से गया हुआ है जिसमें भी लॉक लगा हुआ है ये। अब ये जाके यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, है ना। और इसको यहाँ से टाइट करने के लिए अलग फीता है, कान चला गया, ये वाले फीते के साथ टाइट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मुझे ये वाले हेलमेट से निकाल के किसी और हेलमेट में लगाना पड़े तो मैं आराम से इजीली इसको खोलूँगा एक लॉक को और उसको दूसरे हेलमेट में लगा लूँगा। तो इसको सेटअप इस तरह से लगाया और ये इतना सारा, ये वाला एक ब्रैकेट, ये वाला एक लॉक, ये दो लॉक मैंने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जो हेलमेट पहनते हैं तो ये ऐसे हो जाता है और वो जो इसका जो ये है ना, ये जो केसिंग है, केसिंग का ये वाला, इसको पूरा ढंग से मतलब पीछे नहीं होने देता है, तो ये सही एंगल नहीं बना पाता, जिससे वजह से सिर्फ गाड़ी का हैंडल हैंडल दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो इस तरह से मैंने अपना सेटअप बनाया है। अभी इसको लगाने पर ये शीशा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, पहले शीशा लगा लेंगे फिर बाद में इसको लगाएंगे। इसको खोलना ईजी है, इसको खोलूँगा ये निकल आएगा, शीशा लगाऊँगा फिर इसको लगाऊँगा खोल जाएगा। और दूसरा कि दिखाऊँगा मैं अभी इसका क्या कहते हैं, इसका मैंने वीडियो बनाया है बाइक से चला के पूरा सेटअप का, तो मैं वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा, उसको आप देख लेना किस तरह का सेटअप आया। और कैमरा एंगल अच्छा ना हो तो मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ तो हो सकता है गलत हो। तो ये मेरा थोड़ा कैमरा सेटअप था हेलमेट पर, ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ था। अगर मैं इसके माउंट अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदने जाता तो मुझे 1000 रुपये का, 1200 रुपये का पड़ता, और मेरा ये रबड़ तो समझ लो फ्री का ही है, और ये 10-20-30 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये का पड़ेगा। तो 40 रुपये में समझ लो कि एम सील मैंने 20 रुपये खरीदी थी, 10 रुपये वाले से भी काम बन जाता, थोड़ा बच गया ना, आधा बच गया, तो 10 रुपये वाले से भी काम बन जाता, तो 50 रुपये में मेरा पूरा हेलमेट माउंट हो गया है। वो था 1000 रुपये का सेटअप, तो समझ देख लो कितना बढ़िया है। मतलब ये वैसा है कि परमानेंट ही है, अगर आप चाहो तो निकाल के दूसरे हेलमेट में लगा लो, तीसरे हेलमेट में लगा लो, कभी जिसमें भी लगा लो, हेलमेट में स्विच करते रहो, आपके हेलमेट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच जाएगा हेलमेट भी। तो यही था मेरा सेटअप। तो मैं आपको भी आगे पे अपना कैमरे का वीडियो दिखाता हूँ, तो चलिए उसमें मूव करते हैं। बंद हो गया, बंद करने के लिए सिस्टम आज फिर से कर रहा हूँ अपने उसकी रिकॉर्डिंग, नया सेटअप लगा के नए तरीके से कर रहा हूँ। अगर हवा की आवाज़ आएगी तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेलमेट का हिस्सा मैं कर नहीं सकता बंद, इसीलिए अब रिकॉर्डिंग नया सेटअप लगा लिया है कैमरे का मैंने। सेटअप बोले तो अटैचमेंट लगा के था और ऊपर किया है, कल किया था अटैचमेंट, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग सही से नहीं आ रहा था, मतलब आ रहा था
सामने का सही से नज़ारा नहीं आ रहा था, दोबारा से किया है, अब देखो क्या होता है। सही आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से सेट करेंगे। पर इस तरह से मैं अपना हेलमेट का शीशा नहीं बंद कर पा रहा, और वो ठंड में करना जरूरी है, नहीं करूँगा तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। और आज ठंड भी बहुत है तो इसका ट्रायल लेने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी चलो लेना तो पड़ेगा ही ना, तो ट्रायल लेने के लिए निकल गया हूँ। वही अपने घर के बीच भी रोड देखते हैं कितना रिकॉर्डिंग सही आता नहीं आता, अगर सही आएगा तो इसी सेटअप पे रखेंगे इसी पर। तो यही है नया मेरा कैमरे का सेटअप और इसका हेलमेट माउंट का सेटअप, इस तरह से रिकॉर्ड करता है, इस तरह से इसका आता है वीडियो। ऐसा बहुत आज तो पता ही जाहिर हो रहा है ठंड, आज इस जहर को खत्म करना पड़ेगा। दो दिन में ठंड दिखा रहा है अपना वेदर रिपोर्ट, पता ही क्या होगा। चलो भैया अब यहाँ से हम मिलते हैं अपनी गाड़ी, ज़्यादा लंबा सेटअप लेने की ज़रूरत है नहीं, पीछे कोई आ नहीं रहा, सामने दो गाड़ी आ रही है, तब तक मैं कर लूँगा। ये है अपना सेटअप, घर को निकल गए हैं। इसके माइक से अच्छी रिकॉर्डिंग आती नहीं है, इसलिए मैंने अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके उसको हेलमेट के अंदर घुसल रखा है। एक छोटा मोबाइल और लेना पड़ेगा यार, मैं सोच रहा था इससे बड़े होते ना वो भी ले लेता, क्या रहता है इससे महंगा वाला मिलता, वही बात पड़ जाएगी 1000-2000 का मोबाइल लेना पड़ेगा, एक ही बात है। चलो देखते हैं क्या सीन है, ये सही चल गया तो कुछ चलाएंगे इसको, उसके बाद नया सेटअप देने की सोचेंगे। नया सेटअप एज ए सेंस की नया कैमरा एज ए कैमरा 6 लेजेंड वाला लेने की सोच रहा हूँ मैं, वही लूँगा अगर मेरी वीडियो में व्यूज आने लग गए तो, वरना तो भैया कमाई 1 भी रुपये नहीं होगी, खर्च हो गया यार, क्या कर सकते हैं, क्या थोड़ा सकता है बाबा, कमाई होगी तभी तो करेंगे। देखो अभी नई जॉब के लिए भी सोचा है मैंने, अगर स्विच हो गया जॉब नहीं मिल गई तो ठीक है, वरना तो हड्डन बता लेन के घूमते रहो, ऐसी गर्मी में चलाएंगे, कैमरा दूसरा, रिकॉर्डर दूसरा, मोबाइल से रिकॉर्ड, यही सब चलता रहेगा। मेरे हिसाब से अब अच्छा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, यही सब क्या होता है। ये है अपने घर का मोड़, वो है अपना घर, तीसरा वाला अपना जो पहला वाला दरवाजा है वो है अपना। वहां जाने के लिए ये है रास्ता, अरे धूप, वाह 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 धूप। ये नया सरकारी हैंडपंप जुड़ा है, कल ही परसों लगा है, यहाँ कर दो अपनी गाड़ी पार्क। पहुंच गए हैं अपने घर, देखते हैं वीडियो कैसा ट्रायल बना है, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी ठीक है। ठंड बहुत है। तो दोस्तों यही था मेरे कैमरे सेटअप का वीडियो, और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग में आ रही थी बाइक में जो कैमरा माउंट करके किया था, वो कैमरे के ही इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ है। मुझे पहले लगा कि उसका वीडियो मतलब उसका वॉइस अच्छा नहीं आएगा, बट उसका वॉइस अच्छा आया है, साफ आया है, क्लियर उसने रिकॉर्ड किया है। तो मैंने क्या किया, जो हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था वॉइस को, मैंने उसको नहीं डाला है, कैमरे के इनबिल्ट माइक्रोफोन से जो रिकॉर्ड हुआ है वही वॉइस मैंने रहने दिया है। तो वॉइस भी इसकी अच्छी है, तो पहला जो अपना टेस्ट था वो ओके रहा, अच्छा रहा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी को अगर कुछ नया कैमरा लेना है, उसका सेटअप लेना है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के। तो आई होप यू लाइक वीडियो, तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे तो ही मुझे आगे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।
तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ और आपको समझा सकूँ। कमेंट तो ज़्यादा आते नहीं है तो मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ एंड, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।